हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज जासूस को भारत छोड़ो का आदेश दे दिया है। ये 59 चाइनीज ऐप एक ऐप नहीं, एक जासूस की तरह भारत में काम कर रही थी, जो भारत की एकता, अखंडता और निजता के लिए बहुत खतरा पैदा हो गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जबरदस्त डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इन 59 ऐप को भारत में पूर्ण तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, क्लीन मास्टर, कैम स्कैनर, हेलो, कलर फैक्ट्री, डीयू क्लीनर, ब्यूटी प्लस, वीवो वीडियो एक्सेट्रा प्रमुख थे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनके बेहतर विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूसी ब्राउजर की। जो मोस्ट पॉपुलर यूसी ब्राउजर था चाइना का, वो उस जिसके अंदर बहुत सारे एड्स, वल्गर एड्स चलते रहते थे, वो भी भारत में प्रतिबंधित हो गया है। तो उसका बेस्ट विकल्प है, जो मोस्ट कॉमन आप देखते होंगे, गूगल क्रोम, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट का एज या जियो का ब्राउजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप की बात करते हैं आप, जेंडर और शेयरिट, जो फाइल को शेयर करने का काम, मतलब फोटो वीडियो वगैरह शेयर करने का काम आती थी, तो इनका बेहतर विकल्प है हमारे पास में गूगल फाइल या शेयर ऑल या जियो का जियो स्विच। इनको आप इसकी जगह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप थी आपकी कैम स्कैनर, जिसको आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते थे। तो उसके विकल्प के तौर पे हमारे पास है एडोब स्केल या माइक्रोसॉफ्ट का लेंस। ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है कैम स्कैनर के लिए। नेक्स्ट ऐप थी आपकी वीचैट। वीचैट हालांकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते थे। तो उसके विकल्प के तौर पे आप सबसे मोस्ट पॉपुलर व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हो, या टेलीग्राम, जो एक रशियन ऐप है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है, जिसमें आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। नेक्स्ट ऐप थी आपकी ऐपलॉक, जिससे आप किसी भी अपनी ऐप पे लॉक लगा सकते थे। तो उसके लिए आपके पास विकल्प है नॉर्टन का एपलॉक, जो बहुत ही सेफ और सुरक्षित एपलॉकर है। इसके बाद आपका डीयू क्लीनर के लिए विकल्प के तौर पे हमारे पास उपलब्ध है फाइल बाय गूगल, जो आपकी फाइल को स्कैन भी करते हैं और जो मेमोरी के स्पेस को भी इस बचाते हैं। इसके बाद आती है आपकी कलर फैक्ट्री, जो आपके उसको रिप्लेस कर सकती है आपकी रिलायंस डिजिटल, टाटा क्लिक, या जो आपकी कॉमन है आपका फ्लिपकार्ट या अमेजन। इसके बाद एक ऐप थी ब्यूटी प्लस, जो स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसमें आप फोटो वगैरह में आप बहुत सारे ब्यूटी के ऑप्शन यूज कर सकते थे। तो उनके विकल्प के लिए कैंडी कैम या पिक्स आर्ट अवेलेबल है हमारे पास, जो उनसे बेहतर पिक्चर क्वालिटी देते हैं। नेक्स्ट वन है आपका टिकटॉक, जो बहुत ही पॉपुलर था, जिसमें हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको पूरी तरह से भ्रमित करके रख दिया था। उसके लगभग कई करोड़ यूजर इंडिया में थे, वो भी भारत में बैन हो चुका है।
तो उसके विकल्प के तौर पे आप यूट्यूब तो है ही सबसे बेस्ट ऑप्शन। आपने सुना भी होगा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही इसके ऊपर भी। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो आपके पास रूपोसो रूपोसो ऐप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए वीवा वीडियो ऐप था तो उसके लिए आप काइन मास्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये काइन मास्टर ही सॉफ्टवेयर से ही शूट कर रहा हूँ, तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। हेलो के सब्स्टिट्यूट के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में आप शेयर चैट को इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूज ऐप न्यूज डॉक के आप अल्टरनेटिव के रूप में डेली हंट को यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है पैरेलल स्पेस, जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल में एक से ज़्यादा ऐप इस्तेमाल करने की परमिशन देता था, तो इसके विकल्प के तौर पे आप ऐप क्लोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपकी जो मेन मेन आपकी ऐप थी इनके सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।